दलित तो है, दलित भी है सर, दलित के ही बेस पे ज्यादा उनको हरासमेंट किया जा रहा है। लेकिन सर दलित इतने कमजोर नहीं है सर, सक्सेसफुल है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ होते हैं, हरासमेंट किया जा रहा है, बड़े शर्म की बात है सर। ये सब नहीं होना चाहिए सर उनके साथ। तो सर हम उसके लिए आगे तक जहाँ तक हमें जाना होगा उनका FIR दर्ज भी कराएंगे और उनको अरेस्ट भी कराएंगे सविता राय मैडम को सर, जहाँ तक हम आगे जाएंगे। लेकिन अपनी रितु मैडम को आगे अपना न्याय दिलाने का सर हमारा सिद्धांत रहेगा सर। कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है, लोग मनुवादी लोगों का दबाव है, शायद गवर्नमेंट का दबाव हो सकता है, क्योंकि उन्हीं से अभी तो सारे के सारे उन्हीं लोग हैं। लेकिन फिर भी न्याय मिलेगा, क्योंकि सबूत को कहां कहां मिटाएंगे। क्वालिफाइड है, हर तरह से फुलफिल है अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर, लेकिन फिर भी हरासमेंट किया जा रहा है सर, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महिला होते ही महिला के साथ अत्याचार हो रहा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। कहा जा रहा है, स्टूडेंट का फीडबैक लिया गया, तभी ये फैसला लिया गया। फीडबैक तो ये है कि सर FIR भी दर्ज हुई है इन पर, FIR दर्ज हो रही है, फीडबैक लिया, दौलत फीडबैक है सर उसका, दौलतराम कॉलेज से है सर। लेकिन कई साल हो गए ना इस मामले को, लेकिन सर चल रहा है, हम हारने वाले नहीं सर, हम हिम्मत से सर और रितु मैडम को सर न्याय दिलाकर रहेंगे सर। दलित तो है, दलित भी है सर, दलित के ही बेस पे ज्यादा उनको हरासमेंट किया जा रहा है। लेकिन सर दलित इतने कमजोर नहीं है सर, सक्सेसफुल है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ होते हैं, हरासमेंट किया जा रहा है, बड़े शर्म की बात है सर। ये सब नहीं होना चाहिए सर उनके साथ। तो सर हम उसके लिए आगे तक जहाँ तक हमें जाना होगा उनका FIR दर्ज भी कराएंगे और उनको अरेस्ट भी कराएंगे सविता राय मैडम को सर, जहाँ तक हम आगे जाएंगे। लेकिन अपनी रितु मैडम को आगे अपना न्याय दिलाने का सर हमारा सिद्धांत रहेगा सर। जो सविता राय है और हमारे जो रजिस्ट्रार थे विकास गुप्ता, इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और उनका पता चला है कि चार्जशीट भी लागू हो गया है। और उसमें बहुत सारे हमारी जो यूनियन थी, मैं SC ST वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ, अमरदीप कच्छप नाम है, और हम लोगों ने खुद प्रिंसिपल से मिलने गए थे रितु के केस में। तो वहाँ पर मैडम का कहना था कि ये दलित कहाँ से लगती है, इनके पहनाव ओढ़ाव, वो कहती है कि 50-60 हज़ार का तो फोन लेके चलती है, क्रेटा गाड़ी में चलती है। तो हमारी यूनियन का कहना था, मैडम ये क्या बात हुई, क्या हम दलित आज भी दलित ही हैं, हमारे पास पैसे नहीं होना चाहिए, हम दलित इस चीज़ से पहचाने जाएंगे कि हमारे पास कपड़े नहीं है या हम फटे पुराने कपड़े पहने हुए। तो उस बेस पे हमारे यूनियन ने भी और रितु मैडम के केस पे पूरा सहभागी है और हम भी उस न्याय की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और जहाँ तक हमारे को पता है चार्जशीट हो चुका है और कोर्ट में केस है, और जहाँ तक जिस तरीके से भी हमारे को जरूरत पड़ेगा कोर्ट तक भी जाने की, तो हमारी यूनियन जाएगी और वहाँ भी अपनी पक्ष को रखेगी। कि हमारे साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी तब उन्होंने क्या बोला था। कितना समय हो गया आपको लड़ते हुए? ये लड़ते हुए कम से कम 1.5-2 साल लगभग होने वाला है। अभी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि अब न्याय से जरूर, न्याय के न्यायालय से हमारे को 200% उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके हमारे पक्ष में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, गवाह हैं, जो न्याय दिलाने के लिए काफी होंगे। अब समय क्यों लग रहा है? शायद न्यायिक प्रक्रिया है, कभी कभी चार्जशीट नहीं लागू हुआ, जब तक चार्जशीट लागू नहीं होगा तब तक न्याय की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती थी। अब चार्जशीट हो गया है, अब कोर्ट में जब केस चलेगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें मामला कोर्ट में है, तो प्रोटेस्ट का क्या? प्रोटेस्ट का ये कि अरेस्ट तो करना चाहिए, अरेस्ट भी तो होना चाहिए। SC ST एक्ट का एक वो है कि कोई भी जो SC ST एक्ट का उल्लंघन करता है, एट्रोसिटी एक्ट करता है, तो उनको एक अरेस्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि वो फिर प्रभावित कर सकता है पूरे केस को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, तो इससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है, लोग मनुवादी लोगों का दबाव है, शायद गवर्नमेंट का दबाव हो सकता है, क्योंकि उन्हीं से अभी तो सारे के सारे उन्हीं लोग हैं। लेकिन फिर भी न्याय मिलेगा, क्योंकि सबूत को कहाँ कहाँ मिटाएंगे, हम लोग खुद उनके गवाह हैं, हमारे को क्या करेंगे, हम तो कहीं से दबने वाले नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन कहा जा रहा प्रिंसिपल जो है उन्होंने बच्चों का सिग्नेचर वाला एक उन्होंने, हाँ उसको भी पता चला है कि मैडम ने गलत तरीके से बच्चों का एक उन्होंने लिस्ट बनाया और उनमें बोल दिया कि ये मैडम पढ़ाती नहीं है या वो हमारा सहयोग नहीं करती है, और जब जांच में पाया गया कि वो सारे बच्चे डिनाई कर दिए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि वो कितना बड़ा कंसिप्रसिक एक वो कर सकती है, क्या कहते हैं उसको, फंसाने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।